दोनों यहां पहुंच रहे हैं, दिल्ली में पार्टी बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में पहली मुलाकात होगी सरकार फॉर्मेशन के बाद, और दिल्ली भी पहली बार आ रहे हैं सरकार बनने के बाद। क्या ये सरकार के आगे जो मंत्रिमंडल बनना है, कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्या क्या पोर्टफोलियो होगा, इसीलिए ये मुलाकात हो रही है? अशोक, पहले आपको बता दूं, पिछले 15 से 20 दिन जो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए रहे हैं वो बेहद पेचीदा रहे हैं। कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न इस पूरे सियासी जो हलचल थी उसमें हुए हैं। तो इसके मद्देनजर कुछ ही दिन पहले जो है नई सरकार बनी है, जो एकनाथ शिंदे की सरकार कही जा रही है। पहले कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि इस बार अगर सरकार गिरती है, सरकार गिरने के बाद ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, बट वैसा नहीं हुआ। और एक ट्विस्ट आया और उसमें ये सामने बात आई कि एकनाथ शिंदे को जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ऐसे में चीजें जो है अब पटरी पे आने लगी हैं महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की सियासत के लिए। ऐसे में अब आज महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में अशोक बहुत दिनों से हालात थे, बहुत पेचीदगी थी, हर चीजों में पेचीदगी थी। एक तरफ कोर्ट की तरफ रुख किया जा रहा था, एक तरफ लगातार अलग अलग चीजें जो है वो होटल पॉलिटिक्स हो या बाकी चीजें हो वो चल रही थी। ऐसे में आज जो डिप्यूटी सीएम और सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी, क्योंकि आज मुलाकात जो है वो जेपी नड्डा से होगी, अमित शाह से होगी और नरेंद्र मोदी से होगी, जो प्रधानमंत्री हैं भारत के। तो बहुत सारे मुद्दों पे जो है बात होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बना नहीं है और मंत्रिमंडल किस तरीके से होगा ये बेहद ही पेचीदा होगा और बेहद ही जो है वो सोचने और विचार करने वाली जो है वो बातें हैं। तो दिल्ली जब पहुंचे ये लोग तो क्या क्या बातें होंगी ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात जरूर निकल के सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर जो है वो डिस्कशन जरूर हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के कितने लोग होंगे जो मंत्रिमंडल संभालेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग होंगे जो मंत्रिमंडल संभालेंगे, ये सारी चीजों पर डिस्कशन होना बेहद जरूरी है। इससे कुछ समय पहले मैं आपको लेके जाऊं, जब बागी जो है वो एकनाथ शिंदे और 13 एमएलए जब सूरत गए थे तो उस समय कुछ ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन जरूर हुआ होगा अशोक, कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा मंत्रिमंडल को लेकर, या कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से चीजें जो है वो हमें आज दिख रही हैं। तो ये सारी बातें जो है वो बेहद जरूरी होगा कि किस तरीके से मंत्रिमंडल होगा, किस तरीके से सरकार जो है चलानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने मदद की है एकनाथ शिंदे के गुट की और दोनों मिलकर जो है अब महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे। ऐसे में जब दिल्ली पहुंचेंगे तो जेपी नड्डा किस तरीके से चीजों को प्लान ऑफ एक्शन तैयार करवाते हैं, अमित शाह किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन करवाते हैं तैयार, वो बेहद जरूरी होगा। वहीं ये बात भी की जा रही है अशोक कि ये एक नॉर्मल सी मीटिंग है, क्योंकि सरकार बनी है महाराष्ट्र में, उसके बाद एक मीटिंग करना बेहद जरूरी होता है तो उसके लिए जा रहे हैं, बट कुछ मुद्दे जरूर होंगे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो डिस्कशन किए जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार अभी बनी है शिंदे सरकार, अब महाराष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो आने वाले 2 महीने में होने वाली है, वो है बीएमसी इलेक्शन, नगर निगम के इलेक्शन, जो बेहद जरूरी होता है। नगर निगम इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से कोशिश कर रही है कि इस साल किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और बीएमसी को जीता जाए। तो अब जब आपने सरकार अपनी बना ली है तो बीएमसी में भी आप चाहते हैं कि अपनी सरकार आए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जहां पर इन तीनों लोगों से जो है बात की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी और यही 3 चीज होंगी जिसपे आज जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से बातें होंगी। अशोक बिल्कुल पार साहब मौजूद बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ मेरी सहयोगी मिलन भी है। मिलन, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने सीएम पद जो है एकनाथ शिंदे को दिया, उनकी संख्या कम थी विधायकों की और बीजेपी के पास ज्यादा थी, उस सब के बावजूद भी आपको लगता है कि अब जो मंत्रिमंडल का गठन होगा तो बीजेपी अपने मंत्री ज्यादा बनाएगी, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो अपने पास रखेगी, आपको लगता है आज जो बैठक होने वाली है तमाम बड़े नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री से चाहे वो गृह मंत्री हो या पार्टी अध्यक्ष हो, उसमें यही सब निकल के आने वाला है कि बीजेपी अपने पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रखेगी और ज्यादा मंत्री बीजेपी के बनाए जाएंगे और बीजेपी ही पूरी सरकार को कंट्रोल करने वाली है महाराष्ट्र की? जी अशोक जी, देखिए आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस तरीके की जो औपचारिक बैठक होगी ये एक प्रपोजल बेस्ड बैठक होगी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पास जितने जो एमएलएज हैं उनका एक प्रपोजल बनाया गया होगा अभी तक, और ये प्रपोजल को फाइनल जो स्टैंप लगाएंगे वो होंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। और इसी बीच प्रधानमंत्री से भी मुलाकात है, ये औपचारिक पहली मुलाकात है महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद,
और जाहिर सी बात कि देवेंद्र फडणवीस आगे ना आते हुए, जैसे हमने देखा कि बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने जब वो घोषणा की थी कि देवेंद्र फडणवीस से मैं चाहूंगा कि आप डेप्यूटी सीएम बने और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाया गया होगा जिससे वो डेप्यूटी सीएम बनकर भी महाराष्ट्र सरकार की चाबी अपने हाथ रखें। और जैसे पारस ने भी अभी बताया कि किस तरीके से बार बार देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को कभी कभी बोलते हुए भी रोक देते हैं, एक प्रेस वार्ता में भी उनसे माइक ले लिया गया, तो अशोक जी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के हाथ में भी अभी चाबी है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र सरकार बनने से पहले भी दो बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से दिल्ली आए और एक गुप्त बैठक हुई यहाँ पर बीजेपी में लोगों के साथ, और उसके बाद वो वापस मुंबई लौट गए। तो ऐसा नहीं था कि पहले बीजेपी औपचारिक तरीके से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन बाद में सामने आकर फ्रंट फुट पर उन्होंने कहा कि हम यू नो इनके साथ सरकार बनाएंगे। अब बात रही मंत्रिमंडल की, तो जी हाँ, मंत्रिमंडल का क्या गठन रहेगा, कितने एमएलए को कौन से पोर्टफोलियोज मिलेंगे, इस पे अहम बैठक यहाँ दिल्ली में जो है उस पर जो प्रपोजल दिया जाएगा उस पर मोहर लगेगी। हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जैसे होम है या फाइनेंस है वो बीजेपी इस बार अपने पास रखे, और अर्बन डेवलपमेंट वाटर रिसोर्सेज जैसे पोर्टफोलियोज जो हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे के एमएलए के पास रहे। इससे पहले भी जो एमएलए मंत्री थे उनको इस बारी क्या दिया जाएगा इस पर भी विचार हो चुका है, और यहाँ पर फाइनल प्रपोजल जो है बीजेपी में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। गौरतलब है कि ये भी याद रखें अशोक जी कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई है, जो 15 एमएलए को निष्कासित किया गया था, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था जिनका, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उस पर भी सुनवाई होनी है, और ये जो अहम बैठक है उससे पहले हो रही है। इसका मतलब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पिछली बार भी देवेंद्र फडणवीस लीगल काउंसल्स के साथ यहाँ दिल्ली पहुंचे थे, और किस तरीके से अप्रोच करना है महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए या किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी का रोल अदा किया जा सकता है उस पर भी काफी जो है बातचीत यहाँ पर हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जिसके बाद वो वापस लौटे थे मुंबई। तो ये सारी चीजों पर डिस्कशन दिल्ली में होगा। हालांकि शाम तक पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे, और कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ होंगे, या वो उनके साथ आएंगे या उनके थोड़े बाद आएंगे, ये इस पर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे का क्या रोल रहेगा महाराष्ट्र सरकार में और देवेंद्र फडणवीस का कितना बड़ा रोल रहेगा महाराष्ट्र सरकार में, ये जरूर यहां पर आकर तय किया जाएगा।